कल भी एक ही चीज और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नीतीश कुमार एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नीतीश कुमार के साथ साथ सुशील मोदी जी 3% रेटिंग पॉइंट, जीतन राम मांझी 1%, गिरिराज सिंह, तो उस परिपेक्ष में यदि आप देखना चाहें तो 39-40% जो है चीफ मिनिस्टर एनडीए के भी आते नजर आ रहे हैं। नहीं, जिसमें ये है ना कि पहले भी मैंने कहा था कि जैसे जैसे कि वहां तो सुशील मोदी तो पहले बराती है ना, कभी हाँ। उनको दूल्हा तो बनाया नहीं उन्होंने आज तक, शायद बनाते तो शायद जीत जाते वो भी। पर मेरा कहना देखो, अगर उसके भाषण पढ़े, मैंने पढ़े करने की कोशिश की और एक ट्वीट में उन्होंने मेरे को लगा कि इसके अंदर क्या क्या इश्यू ने उठा लिए। सबसे बड़ी बात उन्होंने की तेजस्वी ने जो लगता है इस हिसाब से जो वहां क्लिक कर गई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई और कार्रवाई, बिल्कुल सारी ई मिलाकर के उन्होंने जितनी भी ई है मिलाकर के कि कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, महंगाई हटेगी, सच्चाई बढ़ेगी, दवाई मिलेगी। तो एक जो अब जो युवा की बात 30% में क्यों कह रहा हूं कि वहां पर 18 से 30 साल के लोग जो हैं बिहार के अंदर 33% लोग हैं। इस बगैर अनएम्प्लॉयमेंट बिहार के अंदर देश से सबसे ज्यादा है, 35% लेवल पर पहुंच चुकी है। परसों उनका बर्थडे भी है तेजस्वी यादव का, तो ये आंकड़े जो 44% के हैं क्या उनको फायदा दिलाएंगे? आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री वास्तव में इसी तरह की तस्वीर 10 तारीख की होगी, जिसका दावा अपने ट्वीट के जरिए, अपने जन्मदिन का भी उनकी ओर से जिक्र किया गया था। लेकिन अखिलेश जी हमारे साथ राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, कम से कम तेजस्वी यादव के पीछे ही सही, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आप लोगों के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। 44% के साथ सबसे लोकप्रिय चेहरा इस वक्त तेजस्वी यादव का और दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार 35% के साथ, कैसे देख रहे हैं इसको आप? नहीं, ये सही है आंकड़ा। हमने दिन में भी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें भी मैंने यही कहा था कि महागठबंधन का और तेजस्वी प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री बनना उतना ही तय है जितना मृत्यु तय होता है। तो आंकड़ा जो भी हो जाए, लेकिन बिहार में मैं घूमा हूं, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था कांग्रेस पार्टी का, तो 5 दर्जन से ज्यादा विधानसभा में जाने का मौका मिला है और हर जगह बदलाव का लहर था। नीतीश कुमार से के प्रति लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था और कुछ हद तक ये कहा तो घृणा का भाव था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके वजह से बीजेपी को भी परेशानी हुई है। नीतीश कुमार के एसोसिएशन की वजह से बीजेपी की भी सीटें कम हो जाएंगी और आप देखिएगा दो दिन के बाद जब काउंटिंग होगा तो मैं जो कह रहा हूं वही होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राज्यसभा सांसद हैं, चर्चा हम उनसे कर रहे थे। सुप्रिया श्रीनेत भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ आरजेडी की भी तरफ से कुछ ही देर में श्याम रजक जी जुड़ेंगे कुछ ही देर में हमारे साथ। केसी त्यागी भी जेडीयू की तरफ से जुड़ेंगे। एलजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय कुमार। लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास सुप्रिया आना चाहती हूं, क्योंकि ये तो एक तरह से तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में अपने बलबूते लालूवाद तक को पीछे छोड़ दिया, लालू जी के चेहरे को उन्होंने अपने पोस्टर्स पर भी नहीं लगाया, लेकिन कांग्रेस सीपीआईएमएल जिनके साथ आप लोगों का गठबंधन था वो सब पीछे रह गए, लेकिन तेजस्वी एक बड़े नेता के तौर पर उभरते हुए दिख रहे हैं, कम से कम ये अगर नतीजों में साबित होता है तो। सुप्रिया, मुझे लगा आप कहेंगी महागठबंधन को बधाइयां कि हम जीत रहे हैं और अभी आपके जो आंकड़े आएंगे जो बाकी चैनल्स पर अभी तक मैंने देखे, मुझे लगा आप बधाई देंगी, पर क्यों थोड़ा इंतजार करना होगा, बात कर रही है, थोड़ा इंतजार करना होगा, आंकड़े आएंगे फिर जरूर। बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी ने एक बहुत स्पिरिटेड कैंपेन किया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है अंजना जी और आपकी सारी टीम के माध्यम से मैं ये बात जरूर लोगों तक बोलना चाहूंगी कि मैं तो नमस्कार करती हूं बिहार की जनता को कि उन्होंने विकास और रोजगार को एक मुद्दा बनाया। किस तरह का चुनाव नैरेटिव बन रहा था, किस तरह की बातें करी जा रही थी, किस तरह के व्यक्तिगत हमले किए जा रहे थे, तुष्टीकरण किया जा रहा था, किस तरह की औनी पौनी बातें हो रही थी, लेकिन सलाम है इस जागरूक और क्रांतिकारी जनता को, और आप तो वहां से हैं साथ में आप जैसे लोगों को, कि बिहार ने टस से मस नहीं हुआ और जो वास्तव में मुद्दे हैं, राजनीति परे है लेकिन रोजगार, विकास, महंगाई, इन मुद्दों पर चुनाव हुआ है जो आपका पोल दिखा रहा है, और इसके लिए मैं वास्तव में बिहार की जनता को अपना बहुत बहुत जिसको कहते हैं कि बधाई देना चाहती हूं।